सभी को नमस्ते और मेरा तरफ से और हमारा जितना भी अभी और अरुणभिमी में, में दर्शक देख रहे हैं सभी को मैं दिल से नमस्ते देता हूं और मेरा राइट साइड में है मेरा आप लोग हमेशा सुनता ही होगा ओलिक मुखर्जी का जो लेट हो गया है जो उसके माँ है ये बहुत बेचारी है उसके बाद हमारा और लेफ्ट साइड में है हमारा अमा सब जानता है इसको लेजेंद्री आंटी बोल के और ये अरुणाचल का एक जाना माना है और पहचाना अब सब जानता ही है तो आज दुख के साथ कहना पड़ रहा हूँ और हमारा अरुणाचल में अभी समय में कानून जो पुलिस प्रशासन और कानून क्या कर रहा है और उसके बारे में आप सबको मैं बताना चाहता हूँ और इस्पेशली जो हमारा ओलिक मोखर्जी के उसके बारे में आप सबको मैं बताना चाहता हूँ हमने सब देखा है सोशल मीडिया चाहे न्यूज़ अरुण भूमि चैनल में असल में देखा होगा और न्यूज़ में भी हम सब ने देखा है कि बहुत दिन से ट्रेंड चल रहा था कि एक छोटा सा एक लड़का को रेहब सेंटर में बेमतलब में और बेकार में कुछ औरों और ने उन सभी को पकड़ के एक लड़का को पकड़ के रिहांतल में मारा जाता है या उसका मर जाता है उसका उसका माँ है ये माँ लाचार है बेचारी है इसका ना कोई पति अभी है ना ऐसा कोई और दूसरा बेटा है ना कोई दूसरा बेटी है हम सब ने उस हिस्ट्री को सुना है लेकिन भी उन माँ को दुख को देखते हुए लेकिन हमारा प्रशासन हमारा पुलिस प्रशासन ने अब तक कदम उठाया नहीं है कदम उठाया है लेकिन कुछ लोग को जो सेंटर में लोग को पकड़ा है लेकिन जो मैन है जो मैन जिस जिन्होंने उन लड़का को वहां से उठाया उसको नहीं पकड़ा है उसका विशेष में आप हम लोग से बात करना है तो मैं सबसे पहले एक कहानी के साथ में आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि एक माँ होता है सबका माँ और हर कोई अपना माँ जो अपने बच्चा को प्यार करता है चाहे बेटा अंडा हो चाहे लंगड़ा हो लूड़ा हो गंगा हो चाहे ड्रग्स मारो या चाहे जैसे भी हो पागल हो अपना माँ जो हर कोई अपना बेटा को प्यार करता है उन्हीं बेटा को कोई ड्रग्स का के जूटा केस में पकड़ के रिहब सेंटर में ले जाता है और वो बच्चा को मार देता है रिहब सेंटर में एक दो महीने के बाद मार देता है मारने के बाद बच्चा को लावारिस लाश को मेडिकल में पड़ा होता है उसके बाद माँ माँ उठा के ले जाता है या अम्मा जो उठा के ले जाता है अब एक बार सोचिए अपना ना कोई पट्टी है ना कोई भाई भैया है ना कोई और दूसरा बेटा है ना कोई दूसरा बेटी है वो बच्चा को ले जाके खबर को जेसीबी से कूद रहा होगा जेसीबी से रहा है और उस लाश को माँ जो दफना रहा है अकेला मिट्टी बना रहा है उन माँ का दिल में कैसा महसूस हो रहा होगा कैसा तकलीफ हो रहा होगा हर कोई जानना चाहिए उसको कोई लोग फेसबुक में लिखता है ट्रोल करता है ए वो तो ठीक नहीं है लड़का जो लेकिन बच्चा भले और ठीक नहीं हो लेकिन माँ का दिल में कैसा भीड़ रहा होगा वो हम सब जो माँ है जो अपना बच्चा को प्यार करता है वो समझ रहा होगा चाहे कोई भी हो चाहे जो भी हो चाहे जानवर हो चाहे कोई भी हो हम हर कोई अपना बच्चा को प्यार करता है हम देखते हैं एक मुर्गी भी जब बच्चा को कोई हाथ पकड़ने के लिए करता है वो जबरदस्ती इंसान को लड़ने के लिए आता है चाहे कुत्ता बंदर बिल्ली सब को लड़ने के लिए आता है जब जानवर के पास इतना दिमाग है लेकिन हम इंसान है एक अपना बच्चा को अकेला मिट्टी में जब दफाना दफाना रहा होगा तो डुब कितना होता होगा आप सारा अरुणाचल से मैं प्रार्थना करता हूँ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये केस शायद आगे नहीं बढ़ रहा है अब सभी से मैं अपील करता हूँ ये अरुण भूमि चैनल के द्वारा से आज हम देख रहे हमारा अरुणाचल में अमीर लोग के लिए कानून नहीं है हम सब गरीब आदमी के लिए कानून बनाता है और जेल भी इत खुला हुआ है जेल भी सिर्फ खुला हुआ है हमारा गरीब आदमी के लिए अमीर आदमी के लिए जेल क्यों नहीं है और हम सुनने में आ रहा है आप सब सुनिए सुनने में आ रहा है जो लड़का को लेके पकड़ के ले गया उसका पास एविडेंस भी नहीं है और लड़का ड्रग्स मारता है बोल के सबूत भी नहीं है अगर सबूत है तो कहां है ड्रग्स कहां है गांजा कहां है हीरोइन कहां है लाकर तो दिखाओ पुलिस भी बटा के देखो कुछ सबूत नहीं है अभी वैसे ही वो लड़का आदमी सबूत ढूंढ रहे कि इस लड़का को कैसा पकड़ना है सोशल मीडिया में दिखा होगा सोशल मीडिया में देखा है कि हम लोग भी देख रहा था ट्रेंड चल रहा था कि कुछ लोग वहाँ में जा लड़का ड्रग्स पीता है ना क्या करता है दो महीना चार पाँच छः महीने दो साल का पहले को निकल के ये बोलता है कि हमें आ, ये लड़का जो ड्रग्स पीता है तीन चार साल का को निकल के ये एविडेंट नहीं है अब एविडेंट ऐसा निकलना चाहिए कि कल परसों तो जब ये रिहर्व सेंटर में ले जा रहा था तब समय में ये आदमी जो या तो उसे एक दिन पहले एक दिन पहले जब डेफ़ सेंटर में ले जा रहा था उस समय में ये आदमी में ड्रग्स पिया था ना ड्रग्स खाया था ना ड्रग्स मारता अब निकलना चाहिए उसका कोई एविडेंस नहीं है लेकिन अभी एविडेंस ढूंढ रहा है मैं सारे अरुणाचल जनता से मैं अपील करता हूँ ये जो इंसाफ मिला है इसको मिलना चाहिए इंसाफ अब एक बार सोच के देखिए बहुत सारे सोशल मीडिया में हमको या हमको भी पर्सनली ट्रेस किया है वो एक नॉन ट्राइवल है वो एक मोकर्जी जो हारंग है नपग है आप उसका सोल सर प्लीज साथ मार दीजिए हम निपा है बोल के हम साथ छोड़ना वो भी गलत है वो इंसान है उसका माँ है माँ हम लोग को अरुणाचल है और माँ हम लोग अरुणाचल है तो वो हम लोग का बंजा ही होता होगा और अपना बंजा को रक्षा करने के लिए हम लोग चाहे नॉन ट्राइबल चाहे पाकिस्तान में शादी हो चाहे चाइना में शादी हो चाहे अमेरिका का बच्चा हो जब कोई दीदी या कोई अरुणाचल इसका माँ जो हमको पुकारा है कि मदद चाहिए मदद देना बहुत जरूरी है बहुत सारे बोला है कि ये नॉन है जी, छोड़ दो लेकिन छोड़ने का बात नहीं है अगर हम छोड़ देता अभी क्यों नहीं छोड़ रहा बोल हमारे जो पुलिस प्रशासन है वो अपना से नहीं कर रहा है। मैंने सुबह एस से फोन किया फोन से बात किया था एसपी से एसपी बोला जो रियाफ सेंटर का ट्वेंटी आदमी को हम लोग पकड़ के रखा है वो आदमी लोग मारा है चलिए मरा भी है तो वो लेके कौन आया है लेके कौन आया है अगर आप लेके आए हैं तो उसका प्रूफ क्या है वो वासे तिम को जहां वासे तिम है जो वहां का वोमेन लो है वहां में आप जो जो लेके गया है वो बच्चा जो वो लड़का को वारियाब सेंटर में लेके गया उसका परमिशन किसने दिया है ये भी सवाल बनता है क्या वो पुलिस है कोई या मजिस्ट्रेट है वो औरत लो या औरत को परमिशन किसने दिया ये है यहाँ में क्लियरली लिखा है अमाने ये अमाने ये ट्वेंटी जुलाई को एफ आफ, दिया था ड्रग्स ड्रग केस में यमित यमित दोलम दारंग एंड अनादर अनादर वासे वोमेन इंक्लूडिंग एंड थ्री कातंग तासुम एंड थ्री नोंग मेजी एंड किप्स इन हिम इन टिप्स माने इसका बच्चा और ये मां जो और जितना भी वासे टीम का औरत को सबको और और सब मिल के माँ जो एक एफ दिया था लेकिन पकड़ा एक ही आदमी को वो अभी बेल में है तो आदा लोग कहां है कि एक ही आदमी से यूनियन बनता है क्या वही प्रेसिडेंट वही सेक्रेटरी एक औरत और तो एक लड़का को पार्क के ले जाने नहीं सकता था तो पुलिस प्रशासन से हम ये सवाल कर रहा है जबकि यह अनादर तो सब वासी टीम का जितना भी वोमेन को आधा को अरेस्ट क्यों नहीं किए हैं यह बहुत बड़ा सवाल बनता है मैं पुलिस प्रशासन से सुबह में मैंने एस पी साहब को बोला था और अभी भी बोल रहा हूं ये ड्रामेबाजी ये अमीर को अलग से कानून बना के गरीब आदमी को अलग से कानून बनाना छोड़ दीजिए हमारे अरुणाचल में ये बहुत मैंने देख लिया किसी गरीब आदमी के लिए अलग क़ानून होता है अमीर आदमी के लिए अलग कानून है मैंने बहुत देख लिया मैं कड़े शब्दों से ये मैं एस साहब को पुलिस प्रशासन को निंदा करता हूँ और मैं कड़े शब्दों से मैं चैलेंज करता हूँ और मैं वार्निंग देता हूँ दस दिन तक अगर ये और लोग को अरेस्ट करने वाला को अगर नहीं दिखाया ये हम सब जाके एक मेगा रैली करेगा रैली करके वही दिन में हमसे एस को क्वेश्चन करेगा और वही दिन में अगर नहीं होता है वो लोग अरेस्ट नहीं करता है हम सब वहां में डरना एस पी ऑफिस सामने में डरना बैठेगा और डरना से भी अगर आप नहीं मानता है सब यहाँ हमारे आंटी है हमारा अम्मा है और जी का अम्मा है मैं हम सब हंगर स्टेट करेगा आप अगर किसी का और जान देखने मन है किसी का जान जाने देने मन है हम लोग जब तक बुकाया बैठेगा हम लोग हंगर स्ट्रेक करेगा जितना तो ये वा टीम को औरत और को जो जो इंक्लूडिंग है जो जो यहाँ में टच है उन सभी को अरेस्ट करना है मैं पुलिस प्रशासन से कल आपने कहा था कि आ, आपने ट्वेंटी टू आदमी रिहाब सेंटर से अरेस्ट किया जिसने जिस मर्डर किया ले कर आने वाला ये भी बहुत बड़ा बनता है जो ले कर आया है आपका पास सबूत नहीं है और मैंने आज एक क्वेश्चन पूछा था एसपी साहब से अगर आप ये लोग को अगर आप अरेस्ट किया है अब उसका केस का अब कौन से सेक्शन में डाला है अब सेक्शन हमको बताइए अब केस कैसा के बनाया है शायद बोलता है ये तो प्राइवेट है ये गलत है इसको हम नहीं बता सकता है एसपी ने बोला है अगर आप नहीं बता सकते हैं तो आप वहाँ में कहते हैं नियम बनता है कानून में नियम बनता है जो आदमी कल व्यक्ति है उसका फैमिली को आपका एफ को दिखाना पड़ता है कि आप इस एफ आई आर सेटिसफाई है कि नहीं नहीं है अब इस एफ आई आर और इस अब जो ये सेक्शन डाला है या कोई भी सेक्शन डाला है अब उसे सेटिसफाई है नहीं है आप बताना पड़ता है लेकिन आपके एस पी साहब ने कुछ नहीं बताया सिर्फ इधर उधर इधर उधर घुमा के कर रहा था और मैं वहाँ में कुछ हमारा लेडी है आप सब ने देखा होगा यंकी मैडम और उसका साल में एक कुछ कुछ था उन सभी को ट्रोल किया जा रहा है फेसबुक में अब ये है वैसा है फेसबुक में ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया में ट्रोल किया जाता है हम हम लोग बहुत दिन से देख रहा था कि इस चीज़ को हम लोग नॉर्मल रहेगा अगर पसी कट के तो वो लड़ लेगा लेकिन अभी ये हद से ज़्यादा हो गया जब पानी जो सर से ऊपर चल जाता है तो हर आदमी को पटाता है मैं जितने भी अरुणाचल वासी थे मैं अपील करता हूँ इस माँ का दुख दर्द को आप लोग साथ दीजिए ये माँ है माँ का तकलीफ माँ का दुख आप लोग सब जानता है आप लोग को सब अपील करता है प्लीज चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कुछ भी हो अगर सारे अरुणाचल हम इसमें एक साथ खड़ा रहेगा हम लोग आने वाला समय में हम लोग इंसाफ के लिए लड़ सकता है मैं अरुणाचल सबसे मैं अपील करता हूँ दोबारा अगर इसको इंसाफ़ नहीं मिलेगा कल को आपका बच्चा को भी ऐसे ला जा सकता है कल को किसी का बच्चा को भी ले जा सकता है अगर ये ये जो ओलिन मुकुट ओलिन मुकुट जी जो अगर कोई आज एम का बच्चा था या कोई ऑफिसर का बच्चा था या सी का बच्चा था तो जितना लोग छोड़ोना कोई कॉल में हम सबको अरेस्ट कर देता आज ये एक बेचारा लाचार माँ का बच्चा है इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा मैं सारे अरुणाचल से वाचे होते मैं अपील करता हूँ ये वाचे टीम का जितना भी सेंट्रल वोमन एग्जीक्यूटिव मेम्बर लो है उन सभी को अरेस्ट करें वहाँ जो जो वहाँ में शामिल था बच्चा को ले जाते जो जो शामिल था उन सभी को अरेस्ट कराए मैं अरुणाचल से अपील करता हूँ और मैं दोबारा ये एसपी और हमारा ये पासीगढ़ का डीसी थे मैं उन दोनों को कंडम करता हूँ कि आपने एक माँ का दिल तोड़ा है एक गरीब आदमी का दिल तोड़ा है आप दोनों जो आप लोग जो कर रहा है ये बहुत गलत है आने वाला समय के लिए हम लोग के लिए ये बहुत खराब चीज़ है ऐसे प्रैक्टिस होने ही होना है मैं हम सभी को अपील करता हूँ अभी अगर एड्रेस नहीं होता है तो हम सभी एक बार फिर लड़ने के लिए रेडी है चाहे जो भी हो जैसा भी हो आपने तो सोशल मीडिया में देखा न्यूज़ में देखा होगा माँ जो बोला अगर हम नहीं सकते बोल हम अपना जान दे देगा तो मैं सबसे अपील करता हूँ बच्चा का जान गया है और माँ का जान जाने ना दे अब सबसे जो इंसाफ मिलना चाहिए और अभी भी और लास्ट दौड़ाता हूँ ये दस दिन का अल्टीमेटम दे रहा है अगर दस दिन में ये वासी टीम को और लोग को अगर आप अरेस्ट नहीं किया तो हम लोग वहां में मेगा रैली करेगा चाहे एक आदमी आओ चाहे हजार आदमी आओ लेकिन हम लोग रैली करेगा और अगर प्रशासन जो वहां में हम लोग को रैली के लिए परमिशन नहीं देने थे भी रैली करेगा और रैली करने के बाद वही दिन हम लोग क्वेश्चन पूछेगा अगर वहां में नहीं हुआ तो हम लोग वही दिन से हम लोग डरना बैठेगा अगर उसमें भी डरना में हम लोग दो दिन डरना बैठेगा अगर उसमें नहीं हुआ तो हम लोग हंगा स्ट्रिक करेगा हंगा स्ट्रिक करके जब ये माँ तो बोल ही रहे अपना जान देने के लिए रेडी है अमा भी है हमारा लेजेंडरी आंटी अमां भी है और हम लोग सब मिलके सर अरुणाचल मिल के हम लोग वहाँ धरना बैठेगा स्ट्री बैठेगा चाहे जो भी हो हम लोग बैठेगा इसलिए सर अरुणाचल आपका भरोसा में हम लोग है और सर अरुणाचल तो हम रिक्वेस्ट करता है आप लोग साथ दीजिए थैंक यू